रोज़ प्लांट में रोज़ कितना सुंदर खिला है, बहुत सुंदर रोज़ है। मॉर्निंग में ये बहुत सुंदर खिला हुआ था और तेज़ धूप होने की वजह से देखिए ये इतना खिल चुका है, तो पूरा पूरा खुल चुका है ये। लेकिन इस तरह से फ्लावरिंग लेने के लिए जो भी रोज़ प्लांट के ऊपर डेड ब्रांचेज हैं, देखिए छोटी छोटी डेड ब्रांचेज हो जाती हैं हमारी जो कि आगे ग्रो नहीं करती हैं, उनको कट करते रहिए, हल्के हल्के प्लांट की प्रूनिंग करते रहिए। जितनी भी डेड ब्रांचेज आपको नज़र आ रही हैं उनको तो आप कट करके वहाँ पर फंजीसाइड पाउडर लगा दीजिए। जैसे ये ब्रांच है देखिए इसे आगे ग्रो नहीं कर रही है तो इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। तो इस तरह से कटिंग करते करते देखिए गलती से मेरे से ये कली भी टूट गई जो कि मैंने इस प्लांट में ही इसकी सॉइल में ही लगा दी है। और हल्की हल्की गुड़ाई प्लांट में करते रहिए, देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी गुड़ाई की है। और प्लांट में हर हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद प्लांट में जो है लेमन वाटर आप ज़रूर डालिए इसकी सॉइल में, क्योंकि इस प्लांट की सॉइल जो है एसिडिक होनी चाहिए। तो रोज़ प्लांट की सॉइल जितनी आप एसिडिक रखेंगे उतना प्लांट आपकी कलियाँ बनाएगा। तो देखिए छोटी छोटी कलियाँ इस पर निकल कर आ रही हैं आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से प्लांट की ग्रोथ को अच्छा बनाए रखने के लिए आपने लेमन प्लांट की केयर करनी है। इस पर हर 15 दिन के बाद कोई भी काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट आपने इसमें डालना है और इसकी सॉइल को एसिडिक बनाए रखना है। और फुल सनलाइट में आप प्लांट को रखेंगे तो प्लांट आपका अच्छा ग्रो करता रहेगा। और जितना आप इसकी इस पर स्प्रे करेंगे, वाटर स्प्रे करेंगे, कोई भी एफिड्स का या कोई भी इंसेक्ट्स का अटैक इस पर नहीं होगा। तो जब भी आप इस पर वाटरिंग कीजिए तो स्प्रे के साथ कीजिए, इसकी पत्तियों को धोते रहिए अच्छे से, इसको पानी से नहलाकर इस पर पानी वाटरिंग कीजिए तो आपका प्लांट जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपने रोज़ प्लांट की केयर करनी है। देखिए येलो रोज़ प्लांट है, इस पर भी देखिए आप कितने सुंदर बर्ड बनी हुई हैं। ये बर्ड है और एक इधर बर्ड बनी हुई है, ये देखिए। तो इस तरह से आप प्लांट की अपनी केयर करेंगे तो आप अच्छे से फ्लावरिंग अपने प्लांट पर ले सकते हैं।